नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वाच्य परिवर्तन के नियम के बारे में बताया था और इस बार मैं आपको वाच्य परिवर्तन के प्रश्न परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं वह बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, प्रश्न दो तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है, या तो इस तरीके से यानी कि डायलॉग फॉर्म में आपको प्रश्न पूछा जाता है, उसमें फिलअप्स करने होते हैं, और दूसरा तरीका होता है आपका ऑप्शंस दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप में आते हैं। तो मैं दोनों फॉर्म यहाँ पे बताऊंगी किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं परीक्षा में प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, देखो बच्चों, वाच्य परिवर्तन माध्यमेन रिक्त स्थानानि पूर्य। वाच्य परिवर्तन के माध्यम से रिक्त स्थान को भरना है। और यहाँ पे बच्चों, ये मंजूषा दी हुई होगी आपको, और आपको उस मंजूषा में से जो उचित शब्द है कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य का, वो आपने फिल करना है डायलॉग्स वाले जो वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर और छात्र के बीच में बातें चल रही हैं, तो क्या बातें हैं वो पढ़िए, पहले डायलॉग को समझिए और ये समझिए कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है, फिर उसी हिसाब से आप अपने फिलअप्स को भर सकते हैं। तो बेटा, जब तक आप कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य के बीच में भेद नहीं समझेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आचार्य यानी कि टीचर, वत्स किम त्वम गीतां पठसि। वत्स मतलब होता है पुत्र, किम क्या, त्वम तुम, गीतां गीता को, पठसि पढ़ते हो, क्या तुम गीता पढ़ते हो। तो छात्र क्या कहता है, आम मीन्स हाँ, मया गीता पठ्यते, हाँ मेरे द्वारा गीता पढ़ी जाती है। फिर टीचर पूछते हैं, किम भानु पत्रम लिखति, क्या भानु पत्र लिखता है। तो यहाँ पे छात्र आंसर दे रहा है हाँ, यहाँ पर भानु, क्योंकि भानु के विषय में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे टीचर ने सिंपल सेंटेंस में पूछा भानु, ये कर्तृवाच्य में भानु पत्र लिखता है, तो अब छात्र क्या उत्तर देगा, हाँ भानु के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे मंजूषा से देखिए, भानु के लिए क्या शब्द है, भानुना, ठीक है। तो आप यहाँ पर भानुना लिख देंगे, भानुना। अब पत्र लिखा जाता है, तो पत्रम ये यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में आएगा, लेकिन जो पत्र है नपुंसक लिंग है और वह प्रथमा और द्वितीय में सेम रूप चलते हैं, इसलिए पत्रम ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पत्रम लिख दिया, ठीक है, भानुना पत्रम लिख्यते। नेक्स्ट टीचर पूछते हैं, किम बाला क्रीडन्ति, क्या बच्चे खेलते हैं। तो छात्र क्या उत्तर दे रहा है, हाँ बच्चों के द्वारा खेला जाता है, क्रीड्यते खेला जाता है। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा के लिए क्या शब्द आया है, बालई, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो बालई। नेक्स्ट आचार्य, अब आचार्य क्या कहते हैं, शोभना, शोभना मतलब बहुत अच्छे, अधुना त्वं गच्छ, अब तुम जाओ। तो ये दूसरे तरीके में क्या होता है, वाच्य परिवर्तन माध्यमे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उचित वाच्य परिवर्तन के हिसाब से आपको ये रिक्त स्थान फिल करना है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है, यानी कि आपको तीन यहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन है वह आपने फिल करना है रिक्त स्थान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, अहम डैश खादामि, मैं यहाँ पे फल ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा मैं फल खाता हूँ, यानी कि ये कर्तृवाच्य में उदाहरण है। तो इसमें कर्तृवाच्य के हिसाब से अगर हम नियम देखें तो कर्म कौन सी विभक्ति में होना चाहिए बच्चों, द्वितीय विभक्ति में। तो अब आपको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति वाला शब्द देखना है, तो देखो क्या फल द्वितीय विभक्ति में है, नहीं है। क्या फलात द्वितीय विभक्ति में है, नहीं है, ये पंचमी विभक्ति में है। क्या फलम द्वितीय विभक्ति में है, हाँ।
तो ये सही ऑप्शन होगा, ये द्वितीय विभक्ति में है तो यहाँ पे ये फलम आ जाएगा और ये सही ऑप्शन है। ठीक है, मैं फल खाता हूं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, धेनुना प्रीणानि दैश। अब यहाँ पे खाद धातु आ रही है, इसका मतलब खाने के लिए है, तो धेनु के द्वारा, ठीक है, गाय, धेनुना मतलब गाय, गाय के द्वारा घास खाई जाती है। ठीक है, तो खाई जाती है इसका मतलब है ये कर्मवाच्य में उदाहरण है, तो इसमें यते लग जाएगा बाद में क्रिया में, तो यते वाला ऑप्शन हम देखते हैं। देखो खादती क्या है, ये तो सिंपल सेंटेंस में कर्तृवाच्य में यूज होता है एज अ क्रिया, तो ये तो नहीं होगा। फिर खाद्यते है क्या, हाँ जी यहाँ पे यते लगा हुआ है, तो ये खाद्यते ही ऑप्शन है, खादंती नहीं होगा, ये बहुवचन के साथ प्रयोग होता है सिंपल सेंटेंसेस में कर्तृवाच्य में, तो ये नहीं होगा, तो खाद्यते यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गृहम गम्यते डैश, गृहम गम्यते यानी कि घर को जाया जाता है, तो यहाँ पे किसके द्वारा घर को जाया जाता है, क्या सह आएगा, ये कर्मवाच्य में उदाहरण है, तो इसमें कर्मवाच्य के हिसाब से यहाँ पे तृतीयता में तृतीय वृत्ति आएगी। यहाँ पे ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो कौन से विभक्ति में होता है बच्चों, वह होता है तृतीय विभक्ति में, तो यहाँ पे हम तृतीय विभक्ति का देखते हैं कौन सा रूप है, तो देखो सह, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो ये तो आएगा नहीं, ये ते तो ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है तो ये भी नहीं आएगा, और यहाँ पर तई यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है तो ये ही यहाँ पे आएगा तई, इसका मतलब हो गया कि उन सबके द्वारा घर को जाया जाता है या उन सबके द्वारा घर जाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, घापाड़ डैश पुस्तकम पठ्यते, तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य उदाहरण है, पुस्तक पढ़ा जाता है, अब यहाँ पे त्वम के रूप है तो यानी कि तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तुम्हारे द्वारा यानी कि तृतीय विभक्ति चाहिए हमें, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हमें यहाँ पे ढूंढना है, तो क्या त्वया है तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप, हाँ त्वया है, तो यही ऑप्शन सही होगा, त्वम नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, वो कर्तृवाच्य में होता है, तव यह भी नहीं हो सकता, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ तृतीय विभक्ति का रूप भरना है जो कि त्वया आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों ही तरीके समझ आए होंगे कि किस तरीके से हम परीक्षा में इन उत्तरों को लिखें। ठीक है।